मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उगता हुआ सूर्य है तो कांग्रेस डूबता हुआ जहाज। कांग्रेस की दशा खराब हो रही है, कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है चुनाव लड़ने वाला। मैडम सोनिया ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैंने 10 राज्यों का दौरा किया है, हर राज्य में चुनाव को लेकर उत्साह है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता भी शिखर पर है। वह अभूतपूर्व नेता है जो केवल चुनाव की नहीं सोचते, 2029 की भी नहीं सोचते, वो आज से ही 2047 की सोचते हैं। विकसित भारत के निर्माण का संकल्प और गारंटी दोनों ही है और जनता को यह विश्वास है कि मोदी इसको पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उगता हुआ सूर्य है तो कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस की दशा खराब हो रही है, कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं है चुनाव लड़ने वाला। मैडम सोनिया ने खुद चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को जब चुनाव की तैयारी करनी चाहिए तब वे यात्रा कर रहे हैं, और जब यात्रा करनी चाहिए उस समय वे विदेश में छुट्टियां मना रहे होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लोकप्रियता के शिखर पर हैं और वो ऐसे अद्भुत नेता हैं जो केवल चुनाव की नहीं सोचते, 2029 की भी नहीं सोचते, वे आज से ही 2047 की सोच रहे हैं। विकसित भारत का निर्माण उनका संकल्प और गारंटी दोनों है, और जनता को यह विश्वास है कि वो इसको पूरा करेंगे ही, क्योंकि मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह तैयार है, भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण प्रखरता से चमकता हुआ सूर्य है, तो कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस में ना तो दिशा है और ना दृष्टि है, इसलिए कांग्रेस की दशा भी बहुत खराब हो रही है। सेनापति खुद दिग्भ्रमित है, कई जगह सैनिक गायब है और सेनापति सेना छोड़ रहे हैं। मैं आज पूरे विश्वास के साथ ये कहता हूं कि अब की बार 400 पार ये बीजेपी का मंत्र नहीं है, अब नारा नहीं है, ये जनता की उद्घोषणा है। धारा 370 समाप्त करके जो काम बीजेपी ने किया है, इसलिए 370 सीट अकेली बीजेपी और एनडीए 400 के पार जाएगा। राहुल गांधी जी तो ऐसे कप्तान हैं जिनको ये पता ही नहीं कि कब क्या करना चाहिए। जब उन्हें चुनाव की तैयारी करना चाहिए तो वो यात्रा करते हैं, जब यात्रा करना चाहिए तो विदेश में छुट्टी मनाते हैं, और चुनाव में हारने के बाद ईवीएम चिल्लाते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।